हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जो है मोंगी से केक लिया था, जो कि है मुझे इस बोर्ड पे मिला था, तो मैंने इसे क्लीन करके रख लिया था और इस पे आज मैं पेंटिंग करने वाली हूँ। इसके ऊपर का प्लास्टिक कवर निकाल के इस पे जेसो अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे फटाफट ट्रांजिशन में आउटलाइन बना लेंगे। और मैं यहाँ पे पहली बार राजस्थानी पेंटिंग ट्राई करने जा रही हूँ, तो देखते हैं ये कैसा लगता है। और सबसे पहले जो है हम यहाँ पे बेस कलर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे मैं सिर्फ दो ब्रश यूज करने वाली हूँ। गाइज, मुझे ये प्रोसेस तो बहुत ही मजा आ रहा है अभी तक, देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी इसको रिक्रिएट करना चाहते हैं तो आप रिक्रिएट करके मुझे इंस्टा पे जरूर टैग करना, मैं उसे अपनी स्टोरी में लगाऊंगी। ब्लैक कलर से ही पूरे पेंटिंग का आउटलाइन जो है वो हम हाईलाइट कर देंगे। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करना स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारा पेंटिंग जो है वो कंप्लीट दिखे, कहीं से भी खाली सा ना दिखे, क्योंकि अभी जो है बहुत खाली खाली सा दिख रहा है। पेंटिंग कंप्लीट होते ही हम इस पे वर्निश का एक कोट अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा पेंटिंग जो है वो शाइन भी करेगा और डस्ट फ्री भी रहेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये पेंटिंग आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।